10 अप्रैल को अक्षय वर्सेस अजय होने जा रहा है, क्योंकि 10 अप्रैल को दो फिल्में रिलीज हो रही हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने, अजय देवगन अपनी फिल्म मैदान लेकर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अक्षय कुमार अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को लेकर के कमर कस चुके हैं और ये फिल्म भी 10 अप्रैल को ही रिलीज होने वाली है। हालांकि अक्षय कुमार ने ईद का जो डेट है उसको पहले से ही शेड्यूल कर रखा था और तीनों खानों से ये कन्फर्म कर लिया था कि ईद का मौका उन्हीं को चाहिए। ऐसे में तीनों खान्स पीछे हट गए थे और उन्होंने अक्षय कुमार को ये डेट अलॉट कर दी थी, लेकिन बीच में अजय देवगन आ गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षय वर्सेस अजय बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इन दोनों ही फिल्मों के साथ में रिलीज होने से दर्शक कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे और उन्हें ये समझने में थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है कि आखिर किस फिल्म को देखना है। ऐसे में पहले दिन के ओपनिंग का जो असर है वो दोनों ही फिल्मों पर देखने को पड़ेगा। लिहाजा ऐसे में कहा जा रहा है कि अक्षय और अजय जो कि 90s के जिगरी यार हैं, अब उन दोनों के बीच महाक्लैश होने वाला है। दोनों एक दूसरे के करियर को आखिर क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसी कयासबाजी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय कुमार ने अब तक यानी कि साल 2020 के बाद से एक भी हिट फिल्म नहीं दी है। जी हाँ, उनकी आखिरी फिल्म सूर्यवंशी थी जो कि हिट साबित हुई थी, वहीं अजय देवगन की फिल्म शैतान अच्छी रही है, हिट साबित हुई है, यानी कि फिल्म ने 100 करोड़ पार कमाया था। लेकिन अक्षय के जो सितारे हैं तारे हैं वो गर्दिश में हैं। ऐसे में अक्षय कुमार के लिए बड़े मियां छोटे मियां का हिट होना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, लिहाजा अजय अब अक्षय के साथ क्लैश करने जा रहे हैं तो फैंस कंफ्यूज हो गए हैं और कई लोग तो ऐसा कहने लग गए हैं कि अजय और अक्षय की इस लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा। लेकिन अक्षय और अजय को नुकसान जरूर हो सकता है। वेल, आप बताइए आपको क्या लगता है, अक्षय वर्सेस अजय की इस लड़ाई में कौन बाजी मार सकता है, कौन बॉक्स ऑफिस पर अपने आप को सुप्रीम साबित कर सकता है, बताइए अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही ये भी बताइए कि ओपनिंग दिन पर अक्षय की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां या फिर अजय की मैदान कौन सबसे ज्यादा ओपनिंग कलेक्शन कर सकती है।